दोस्तों बिहार के दरभंगा के एक गांव में राजू और श्याम नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों ही बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाया करते। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहती थी। एक दिन की बात है, राजू और श्याम बकरी चराते चराते जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गए। वहीं जब जंगल में पहुंचे तो उन्हें घने पेड़ के नीचे एक बिल बना हुआ दिखाई दिया जिसमें से रोशनी आ रही थी। तभी उन दोनों ने उसी पेड़ की टहनी को तोड़ा और उस बिल पर जोर से मारने लगे। तभी उस बिल में से घायल नाग निकला और उसके नीचे थी दिव्य नागमणि। जैसे नागमणि को उठाकर दोनों भागने लगे तभी नागिन वहां आ जाती है। नाग को तड़पता देखकर नागिन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। तभी दोस्तों नागिन अपना विशाल रूप धारण करके उन दोनों को डस डस कर मार देती है। लेकिन हद तो तब हो गई जब नागिन के नाग ने दम तोड़ दिया। अपने नाग के वियोग में नागिन ने गाँव में आकर हाहाकार मचा दिया और तब से लेकर आज तक 500 सालों से आज भी इस गाँव में ये इच्छाधारी नागिन जिंदा है।